मैं पहले देवियों के लिए कहूं तब देवताओं के लिए। देवियां या एक वचन में कहें देवी, कहते हैं देवी उत्पत्त पालन संहार कारिणी है। देवी जगदम्बा उत्पन्न करती है, पालन करती और संहार करती है। असली देवी ये माताएं हैं, यही जगदम्बा। लोग बांस की फट्ठी चीर करके ठाट बनाते हैं, पैरा भर लेते हैं, मिट्टी लपेट लेते हैं, रंग रोगन कर देते हैं, कपड़ा पहना देते हैं, तो कहते हैं देवी। और एक मच्छर भी वो पैदा नहीं कर सकते। और ये देवियां सबको यही पैदा करती है, और इनको कोई देवी का जगदम्बा कहने वाला कोई नहीं। कैसा उल्टा, जगदम्बा जगत की अम्बा, ये देवियां हैं, माताएं हैं। इसमें व्याख्या करने की जरूरत नहीं, साफ है। लेकिन सांचा के अनुसार ईंट बनती है। सांचा ठीक है तो ईंट ठीक, सांचा गलत है तो ईंट गलत है। माताएं सांचा हैं, इनको अपनी समझ, अपना चरित्र, अपनी रहनी ऊपर उठानी चाहिए। माताओं के पेट में सभी लोग रहते हैं, नर हो या नारी हो, 9-10 महीने पैदा होने के बाद उनके गोद में रहते हैं। और गोद से जब उतर जाते हैं तो खेलते हैं, तब भी उन्हीं के संरक्षण में रहते हैं। और जब पढ़ते लिखते हैं तब भी पिता की अपेक्षा माताओं से ज़्यादा जुड़े रहते हैं। और आखिर तक बाप की अपेक्षा माँ से बच्चे ज़्यादा जुड़े रहते हैं। इसलिए माताओं की देन बच्चों पर बहुत होती है। अगर माताएं बुद्धिमती हैं, समझदार हैं, विचारवान हैं, चरित्रवान हैं, तो बच्चों पर उनका प्रभाव निश्चित ही पड़ता है। माता और पिता ये दोनों की जिम्मेदारी है अगली संतान के लिए वे स्वयं चरित्रवान हों। एक ने एक से पूछा कि बच्चों की शिक्षा कब से शुरू करनी चाहिए। उत्तरदाता ने कहा बच्चा पैदा होने के 20 वर्ष के पहले से। कहिए कैसे? तो उन्होंने कहा कि माँ और बाप इस प्रकार रहनी में रहें जिससे बच्चे वैसा बने। माताओं की मानसिकता का प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता है, स्वभाव का प्रभाव पड़ता है, पिता का भी पड़ता है। माताएं भूत प्रेत का भ्रम बचपन में डाल देती हैं, और भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं, चुड़ैल कहीं नहीं। प्रेत और प्रेतिन, प्रेत हैं तो प्रेतिन भी होनी चाहिए। और प्रेत प्रेतिन जो बच्चा पैदा करते हैं उनको कभी आप देखें? प्रेत प्रेतिन का प्रजनन क्रम क्या है, उनका घर घोंसला क्या है, क्या खाते पीते हैं, कहीं टट्टी पेशाब करते हैं कि नहीं? अगर बकरे ने टट्टी की है आपके आंगन में तो आप जान सकते हैं कि बकरा आया होगा। घोड़ा टट्टी करे तो पता चल जाएगा घोड़े की टट्टी है। भूत प्रेत की टट्टी से भी उसका पता चलना चाहिए। कभी आपने भूत प्रेत की टट्टी देखी? नहीं देखी। खान पान भी नहीं देखा, बाल बच्चे भी नहीं देखे। भूत प्रेत कहाँ? कहीं भूत प्रेत नहीं। भूत प्रेत मन का भ्रम है, और इस भ्रम में साधारण नहीं अच्छे विद्वान लोग पड़े हैं।
पुराने पुराने ग्रंथों में अथर्व वेद तक में भूत प्रेत और झाड़ फूक की बात है, इतनी जड़दार है। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं, और माताएं भूत प्रेत का संस्कार बचपन में दे देती है। गाली गलौज अगर माताएं करती हैं तो बच्चे क्या सीखेंगे, वही तो सीखेंगे। अगर माताएं झूठ बोलती हैं तो बच्चे झूठ बोलने की सीख ग्रहण करेंगे। अगर माताओं में चालाकी, खाने पीने का लालच है तो बच्चों पर खराब संस्कार पड़ेगा। माताएं गुणातीत जीवन मुक्त अवस्था में रह करके सेवा करती हैं, भोजन बनाती हैं, खिलाती हैं, तब पीछे खाती हैं। ये मुक्ति का काम है, जीत करके मन, भोजन बनाओ, सबको खिलाओ, तब खाओ, ये मन जीतने का लक्षण। माताएं खिला के खाती हैं, कुछ माताएं हैं बनाती भी रहती हैं खाती भी रहती हैं, वो गड़बड़ है। पहले खा लेती है अपने पति के, खान पान में संयम, वाणी व्यवहार में संयम। माताएं पहले पढ़ती नहीं थी, अब पढ़ना लिखना शुरू हो गया। बीच में इनकी पढ़ाई बंद कर दी गई, वर्ण व्यवस्था या सामाजिक कुसंस्कार ने ऐसा प्रतिबंध किया कि एक बड़े समाज को शूद्र कह करके और नारी मात्र को शिक्षा का अधिकार नहीं है, ये घोषणा उसने की। शूद्र नहीं पढ़ सकता और नारियां भी नहीं पढ़ सकती, जबकि वैदिक काल में ऐसी बात नहीं। चारों वेदों में कहीं नहीं कहा गया है कि शूद्र नहीं पढ़ सकता, बल्कि शूद्र कहे जाने वाले परिवार के लोगों की रचनाएं वेद के मंत्रों में हैं। अनेक वेद मंत्र हैं जो शूद्र की रचनाएं हैं। वेद क्या कहते, मेरी एक पुस्तक है, उसकी भूमिका ही में मैंने ये सब लिखा है और नंबर दिया है, कौन सा मंत्र है जो शूद्र कहे वाले लोगों का है। और स्त्रियों के मंत्र बहुत ज़्यादा हैं। जब स्त्रियां वेद मंत्र बना सकती हैं, शूद्र वेद मंत्र बना सकते, तो पढ़ कैसे नहीं सकते। लेकिन शूद्र और स्त्री ये पढ़ नहीं सकते, ऐसा प्रतिबंध किया गया है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अब सब पढ़ सकते हैं, नारियां पढ़ती हैं, ज्ञान की पुस्तकें पढ़ें। स्त्री बाल शिक्षा नाम की इन पुस्तकों में एक पुस्तक है, अगर नारियां पढ़ें तो उसमें सब प्रकार की बात इनके लिए कही गई है, गृहस्थी जीवन, ज्ञान, अंधविश्वास से ऊपर उठने की बात, सब कुछ, रहनी गहनी सब है, सभी पुस्तकों में है। तो देवियां अब ज्ञान के ग्रंथ भी पढ़ें, समय निकालें और पढ़ें और समझें। सत्य बोलना, निर्भ्रांत दृष्टि रखना, दुर्व्यसन न ग्रहण करना, ये सब जरूरी है। ये आज भी विशेषता है माताओं में। इतने देवता यहाँ बैठे हैं, अगर इसमें सर्वेक्षण किया जाए तो कई लोग बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, खैनी, पीनी, खाने पीने वाले मिलेंगे, और कुछ बोतल के प्रेमी भी मिल सकते हैं।
लेकिन देवियों में शायद है कोई तमाकू बीड़ी वाली हो। देवियों में आज भी सर्वत्र बहुत सुधार है, ये दुर्व्यसन से अलग होती है, भक्ति भावना इनमें होती है। और देवताओं को तो ठिकाना नहीं क्या क्या मुंह में डाल ले, तम्बाकू डाल लिए, फिर पान डाल लिए, फिर चूना चाट लिए, फिर जाफरानी झाड़ लिए, फिर ऊपर से सिगरेट खोस लिए, ये सब मुंह को खराब करना, आदत को खराब करना, पैसे को खराब करना, स्वास्थ्य को खराब करना, धर्म को नष्ट करना, सब प्रकार से अहित करना, देवियों की विशेषताएं दुर्व्यसन से मुक्त होती है। अंधविश्वास से ऊपर उठो, देवी देवता प्राणी हैं, प्राणियों के साथ सुंदर बर्ताव करो। अगर मूर्ति और चित्र किसी महापुरुष के हों तो उनसे ही लाभ होगा कि जब उन पर दृष्टि पड़ेगी तो मन अच्छा होगा। इसके आगे उन्हें मना करके तुम लड़का धन चाहो क्या देंगे? जो अपनी मक्खी नहीं हाँक सकते हैं वो आपको लड़का धन कैसे देंगे? ये विचार करो। उनकी सेवा है उन्हें स्वच्छ रखना। अगर आपके घर में किसी महापुरुष का चित्र है, मूर्ति है, तो स्वच्छ रखो, बस यही पूजा है। अगर वे दाल भात खाएं तो खिला दो, नहीं खाते हैं तो खिलाने की क्या जरूरत है? स्वच्छ रखना ही उनकी पूजा है। कन्याएं, देवियों के तीन रूप होते हैं, कन्या, गृहिणी और माँ। पहला रूप है कन्या, दूसरा रूप है गृहिणी, तीसरा रूप है माँ। कन्याएं नैहर में रहती हैं, स्वतंत्र रहती हैं, माँ बाप की दुलारी रहती हैं, लेकिन उनको ये तैयारी होनी चाहिए कुछ दिन में एक अपरिचित घर में जाएंगी और वहाँ की पूरी जिम्मेदारी उन्हें निभानी है। आजकल लड़कियाँ पढ़ती हैं तो पढ़ने में ये दोष आता है कि जब ज़्यादा पढ़ लिए तो रोटी बनाने रुचि नहीं रहती है, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, कपड़ा धोना, ये काम सब पिछड़ापन समझती, ये बहुत गलत है। लड़कियां पढ़ें गुने, पढ़ने के साथ घर का काम करें, आज्ञाकारिणी रहें। लड़कियों के लिए श्रृंगार वर्जित है, ध्यान दें, सादा कपड़ा पहने, सहज रहें। श्रृंगार तो पति पर होता है, विवाह हो और नीत में तो यहाँ तक लिखा है, विवाह पर, विवाह होने पर भी जब तक नैहर में रहे श्रृंगार न करे। ससुराल में पति की उपस्थित में श्रृंगार उचित है, और ज़्यादा श्रृंगार तो फिजूल है, सहज श्रृंगार होना चाहिए। लड़कियां होती हैं तो अपने भाभी से प्रायः खुश नहीं रहती। घर में बहू आई, कुछ दिन तो चला प्रेम, कुछ दिन के बाद माँ और बेटी का एक दल और भाभी अलग, ये बहुत कलह का कारण होता है। ज्ञान और आचरण दोनों की पवित्रता से जीवन ऊंचा उठता है। अंग फड़कने से हान लाभ कुछ नहीं होता, इनर नारी सभी ध्यान दें, दाहिना अंग फड़कता है कि बायां अंग फड़कता है कोई नुकसान और फायदा नहीं। नारियों का बायां और पुरुषों का दायां फड़कने से लाभ, और इसका उल्टा फड़कने से हान, ऐसा मानते, ऐसा कुछ नहीं। चाहे जो अंग फड़के कोई चिंता मत करो,
वाय विकार से अंग फड़कते, छूछा घड़ा और भरा घड़ा देखने से कोई हान लाभ नहीं होता है। पानी से भरा हुआ घड़ा देखे तो लाभ है और खाली घड़ा देखे तो हानि, ऐसा कुछ नहीं। धोबी देखे तो लाभ होगा और तेली देखे तो विनाश होगा। और रोज तेल खाते हैं और तेल लगाते हो, विनाश नहीं होता है, तेली को बदनाम कर दिए। काना ब्राह्मण विधवा स्त्री देख करके अशुभ मानते हैं, आँख नहीं रह गई, ब्राह्मण हो विष्णु हो कोई भी हो, वो अशुभ क्यों है? किसी की भी एक आँख फूट सकती है, दोनों फूट सकती है। आँख फूटने से आत्मा में विकार नहीं आता है। विधवा स्त्री अशुभ क्यों है? और विधुर पुरुष अशुभ नहीं है। पत्नी मर गई तो पुरुष अशुभ नहीं है और पति मर गया तो पत्नी अशुभ है। ये एक तरफी डिग्री दी गई। पुरुषों ने कई बातें बहुत गलती प्रचार किया है और उसमें माताएं भी सहयोगी बनी हैं। अगर किसी को पुत्र नहीं है, संतानहीन है तो अशुभ माना जाता है। देवियों के मुख से मैंने सुना, आज मैंने निर्वंशिन का मुंह देखा सुबह तो 1 बजे तक पानी नहीं मिला, इतना बड़ा अशुभ। निर्वंशी बहुत भयंकर अशुभ होता है। तो आप लोगों को चाहिए हम लोगों से कभी न मिले, हम लोग भयंकर निर्वंशी। अब वंश वाले का दर्शन करना हो तो सुकरी का दर्शन करो, 12-12 बच्चे एक बार में देती है और दीमक रानी हजारों अंडे देती है। अब मुर्गी के दर्शन करो, जब देने लगती तो रोज 1 अंडे देती है। बच्चा पैदा करने से कोई सौभाग्यशाली नहीं और न बच्चा हो तो अशुभ नहीं। गृहस्थी में बच्चे होते हैं, अगर किसी के नहीं हुए तो कोई बात नहीं। पहली गलती है विवाह और दूसरी गलती है बच्चे पैदा होना, झंझट का घर। आप कहेंगे वाह, अगर ये गलती ना हो तो समाज कहाँ से बनेगा? आपकी बात मैं मानूं, लेकिन मेरी बात पर आप भी ध्यान दें। अगर आप शांति चाहते हैं तो विवाह न करें, झंझट में न पड़े। नवयुवक अगर यहाँ कोई बैठा हो और न विवाह किए हो तो बचना चाहे बच जाए। अब विवाह कर लिए लेकिन बच्चा नहीं हुआ तो समझ लो एक झंझट में पड़े और दूसरी झंझट प्रकृति ने रोक दिया। तो क्यों परेशान होते हो? एक ही झंझट हुई, दूसरी झंझट नहीं हुई। इसलिए बच्चा न पैदा होना दुर्भाग्य का लक्षण नहीं और बच्चा पैदा होना सौभाग्य का लक्षण नहीं। दुर्भाग्य उसका है जो भजन नहीं करता, साधना नहीं करता, भक्ति ज्ञान वैराग्य जिसके जीवन में नहीं है वो अभागा है और उसका अभाग्य अपना बनाया है। और जो भक्ति भावना साधना से चलता है, बच्चे हो न हो कोई हर्ज नहीं। इसलिए जिन देवियों को बच्चे न हो वे ग्लान न करें। बच्चे वालों की अपेक्षा गैर बच्चे वाले ज़्यादा सुखी रह सकते हैं अगर समझदार हैं तो। बच्चे वालों की तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जिनके बच्चे नहीं है जिम्मेदारी कम रहती है। तो अपना समय धन शक्ति सब कुछ साधना और परोपकार में ज़्यादा लगा सकते हैं। कन्याएं
जो अपनी भाभी को कष्ट देती हैं उनको समझना चाहिए, कुछ दिन में वे भी भाभी बन सकती हैं, तो उनकी ननद उनको कष्ट देगी। ननद का अर्थ ना आनंद, ऐसा ना हो कि ननद का अर्थ ना आनंद हो जाए। ननद भावज में प्रेम होना चाहिए, सास बहू में प्रेम होना चाहिए, देवरान जठान में प्रेम होना चाहिए, पिता पुत्र में, गुरु शिष्य में, हर संबंध में प्रेम से ही सच्चा सुख मिल सकता है। कन्या गृहिणी जब बनती है तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। किसी के घर बहू आती है तो घर वाले यही सोचते हैं घर भर का पूरा काम संभालेगी। अब आजकल बहुएं जब आती हैं, पढ़ना लिखना अपना गुण है लेकिन अपना दोष भी लाता है। हम पढ़ी लिखी हैं तो अपने मियाँ बीबी के लिए रोटी बना सकती हैं, सास ससुर के लिए नहीं। इसलिए लड़कियां आजकल बहू बन करके आती हैं और बहुत जल्दी बंटवारा करने के लिए राय देती हैं, अपने पतियों को कहती हैं अब अलग हो जाओ। अब उन्हीं का लड़का जब बड़ा होगा, विवाह होगा, उसकी बहू आएगी और वो अलग होना चाहेगी, तब आपको कैसे लगेगा? जो अपने सास को कष्ट देती है, स्वयं जब सास बनेगी उसकी बहू कष्ट देगी तो कैसे लगेगा? जो पुत्र अपने माँ बाप से बात नहीं करते, उनका निरादर करते हैं, उन्हीं का लड़का जब ऐसा करेगा तो उनको कैसे लगेगा? ये तो एक चक्र है। अगर हम अपना कर्तव्य नहीं करते हैं तो हमारे साथ भी वही बात होगी। गृहिणी बनने के लिए जिम्मेदारी कन्याएं समझें, पढ़ें लिखें, लेकिन पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि काम न करना। आजकल तो लड़कियां पढ़ करके बस चाहती हैं क्लर्क हो जाएं, अफसर हो जाएं, रोटी न बनाएं। क्लर्क हो जाओ, अफसर हो जाओ, लेकिन रोटी बनाना भी जानो, कपड़ा धोना भी जानो, मेहनती रहो, पुरुष और स्त्री दोनों को। और माँ अंतिम रूप है, माँ बन गई तो माँ की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई, बच्चों को अच्छी सीख देना और निभाना। कन्या गृहिणी माँ, ये तीन रूप देवियों के हैं। अगर सही बुद्धि से वो बच्चों को शिक्षा देती हैं तो उनका निर्माण होता है, और गलत शिक्षा देती हैं तो विनाश होता है। यही संहार करना हुआ। सुल्ताना डाकू का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जब अंत में वो पकड़ा गया, मुकदमा चला, फांसी की सजा सुनाई गई, तब उससे कहा गया जो खाना चाहो खा लो, जिसे मिलना चाहो मिल लो। सुल्ताना ने कहा कुछ खाना नहीं, किसी से मिलना नहीं, केवल माँ से मिलना चाहता। तो ये स्वाभाविक बात थी, माँ आई। सुल्ताना ने दौड़ करके दांत से माँ की नाक काट लिया। ये कहानी मैंने सुनी है, कहाँ तक तथ्य है पता नहीं। जज और पुलिस ने कहा ये तूने पाप पर पाप क्यों किया? उसने कहा माँ ने मुझे बढ़ावा दिया था, मैंने मुर्गी के दो अंडे चुराए थे बचपन में, घर लाया तो माँ खुश हुई कि ठीक है बेटा ऐसा लाया करो, फिर चोरी करने की आदत बनी और मैं डाकू बन गया। माता पहले से डांट देती तो ऐसा ना होता। एक घटना मैं बताऊँ, बिल्कुल घटना,
एक युवक अच्छा था लेकिन डाकू हो गया धीरे धीरे। बड़ा मस्त शरीर, पीछे मेरे पास खूब आता था और डाका का सामान जो बांटा गया एक बड़ा गट्ठर लेकर के रात गिरने पर घर में पहुंचा। माता ने देखा, कहा है तू कहाँ से लाया है, डांटा जोर से और कहा ले जाए जहाँ का है तहाँ पहुँचा, मैं तेरे को घर से निकाल दूँगी, कस के डांटा। वो गठरी ले गया, पता नहीं कहाँ फेंका है। उसी दिन से वो बच्चा एकदम सदाचारी बन गया, भक्त बन गया और इतना ही नहीं साधु स्वभाव का हो गया। माता उसको लेके मेरे पास आई, अनेक बार आई और उसका घर सत्संग का घर बन गया। रोज बैठ करके शाम को संध्या पाठ और स्वयं ज्ञान का ग्रंथ पढ़े और सबको सुनाए, इतना परिवर्तन हो गया। आदमी का सुधार और बिगाड़ संग कुसंग से होता है और उसमें माँ बाप का उत्तरदायित्व बहुत ज़्यादा है। माँ बाप सावधान रहें तो बच्चे कायदे से रह सकते हैं। माँ की ये विशेषता है कि उसने बच्चे को डांट करके बदल दिया और बच्चा केवल डांका ही नहीं छोड़ा, साधुता अपना लिया। तो डाकुओं का जो बड़ा सरदार था उससे मिला और कहा कि अगर तुम हमारे गैंग से अलग जाओगे तो मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा। उसने कहा मैं खड़ा हूँ, मुझे मार दो लेकिन मैं अब डाका नहीं डालूंगा, आपका साथ नहीं करूंगा। तो ऐसे आदमी को कौन मारता है। फिर एक सच्चा सदाचारी साधक बन गया। इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों को अच्छी सीख दें। आजकल बच्चे पढ़ाए जाते हैं और नकल से पास कराए जाते हैं। पिता सहायक बनता है। पिता और घर वाले सोचते हैं कि बच्चा पास हो जाए, कहीं नौकरी मिल जाए, फिर चाहे जो हो। सद्बुद्धि हो बच्चे में, इसका ध्यान कम है। धन आना चाहिए, धन की जरूरत है, लेकिन सद्बुद्धि पूर्वक धन कमाना कल्याणकारी। अगर लूट खसोट करके बेईमानी बदमाशी करके धन कमाया जाएगा तो तकलीफ देगा। सही रास्ते से धन आना चाहिए। आचरण गलत कर लेंगे जब तो जीवन की नींव ही खिसक जाएगी और संताप के सिवा जीवन में कुछ बचेगा नहीं। चरित्रवान जीवन सुख का आधार होता है, चरित्रहीन जीवन दुख का आधार बनता है। सुख और दुख वस्तुओं से नहीं आते हैं, सुख और दुख चरित्र से आते हैं। वस्तुओं से केवल जीवन का गुजर होता है, रुपए पैसे, घर मकान, जगह जमीन, सवारी, वस्त्र बासन, ये सब की जरूरत है क्योंकि जीवन का गुजर करना है। गुजर करना अलग चीज है और चरित्रवान होना अलग चीज है। गुजर बसर कर लेना मात्र जीवन की सफलता नहीं है। गुजर बसर तो जानवर भी कर लेते हैं और अच्छे ढंग से कर लेते हैं। वे किसी प्रकार बेईमानी बदमाशी झूठ छल कपट नहीं करते हैं और सभी प्राणियों का गुजर बसर होता है। गुजर बसर एक सामान्य स्तर की बात है।
आप क्यों कमाते हैं, खाने के लिए क्यों खाते हैं, जीने के लिए क्यों जीते हैं, इसका पता नहीं। जीते हैं रेंग रेंग करके जी रहे हैं बस। कमाना चाहिए खाने के लिए, खाना चाहिए जीने के लिए, जीना चाहिए कल्याण का काम करने के लिए। और वही काम बाकी रह जाता है, कल्याण का काम नहीं होता है, तो जीना बेकार है। कल्याण का काम कैसे होगा? जब सद्बुद्धि होगी, धन बल, जन बल, शासन बल, विद्या बल, शरीर बल, स्वामित्व बल, सारे बल सद्बुद्धि के अभाव में मनुष्य का अहित करते हैं। रावण के पास किसी बल की कमी नहीं थी, जैसी कि कथा है। पूरी दुनिया में वो तपता था, विद्वान ऐसा कि वेदों का प्रकांड पंडित, बलवान ऐसा कि पूरा संसार कांपता था, धनवान ऐसा कि सोने की नगरी उसकी, इसका लाक्षणिक अर्थ है बहुत धनी। ये नहीं कि मकान सोने के बने थे, कहीं कुछ सोना वोना का स्तंभ या पत्थर कहीं चढ़ा हो। भारत में भी कुछ मंदिर हैं जिसमें सोने का पत्थर गुंबज में चढ़ा रहता है, यद्यपि ये सब गलत है। मंदिर पर सोने का पत्थर चढ़ाना, गरीबों का उपहास करना, ऐसे गरीब लोग हैं जिनको आज भी ठीक से रहने की जगह नहीं। और मंदिर में सोने का पत्थर चढ़ाया जाए, सोने का कलश चढ़ाया जाए, कौन भगवान की भक्ति? तो सोने का पत्थर उत्तर कुछ हो सकता है लंका में, ये बात नहीं कि लंका नगरी पूरी सोने की थी। अर्थ है कि धन धान संपन्न थी लंका, धनवान, विद्वान, बलवान, इंद्र को परास्त कर देने वाला। दशरथ से जब विश्वामित्र आए हैं श्री राम को मांगने के लिए कि मैं यज्ञ करता हूँ, तो उसमें राक्षस लोग विघ्न करते हैं, मैं क्रोध करूँ तो यज्ञ सफल नहीं माना जाएगा, इसलिए कोई रक्षक चाहिए, मैं राम को मांगता हूँ। दशरथ ने कहा, राम तो अभी 16 वर्ष की उम्र से भी कम है, 16 वर्ष, ये वाल्मीकि रामायण में आया है, 16 वर्ष, 16 ऊन नाम कम, 16 वर्ष से भी उनकी उम्र कम है, वे क्या लड़ेंगे राक्षसों से, मैं चलूँगा। लेकिन हाँ, अगर रावण है तो मेरी हिम्मत नहीं, ये वाल्मीकि रामायण में आता है। ऐसा रावण, इतना बलवान, धनवान, विद्वान, विद्वान था, विद्वान के विषय में आता है वेद विद्याव्रत स्नात, वाल्मीकि रामायण में वेद विद्याव्रत में स्नात था, उत्तीर्ण था, लेकिन वह रावण पर स्त्री के मोह में अपना विनाश कर डाला, परिवार का विनाश कर डाला और लंका का पतन कर डाला। इसलिए सारा बल शुद्ध बुद्धि के अभाव में मनुष्य का नुकसान करता है। अच्छी बुद्धि सब प्रकार का अभाव होने पर भी सुख का रास्ता निकाल लेती है, और गलत बुद्धि होने से, अशुद्ध बुद्धि होने से, सारी योग्यता होने पर सब का विनाश कर देती है। इसलिए माँ बाप को चाहिए बच्चों में सद्बुद्धि आए, इस पर ध्यान दें। चोरी न करें बच्चे, दुर्व्यसन न ग्रहण करें, झूठ न बोलें, बेमानी बदमाशी न करें, दुष्कर्म न करें,
इसकी सीख होनी चाहिए, और सीख नहीं इनका आचरण स्वयं करना चाहिए जिससे बच्चों पर अच्छा प्रभाव हो। स्वयं माता पिता दुर्व्यसन ग्रहण करेंगे तो बच्चों में क्या सीख देंगे। कितने पिता अपने बच्चों से स्वयं कहते हैं बीड़ी दाग लाओ, तो बीच में वो कस भी लगा सकते हैं और देखेंगे स्वयं पिएंगे। माँ बाप के चरित्र का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। गृहस्थी सभी आश्रमों की जननी, यहीं से विरक्त निकलते हैं, यहीं से नेता निकलते हैं, शूरवीर निकलते हैं, कलाकार निकलते हैं, शिल्पी निकलते हैं। सभी उन्नतियों के स्रोत और सभी प्रकार के विकास के स्रोत गृहस्थी आश्रम में। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास चार आश्रमों का विधान पहले किया गया था, लेकिन सभी आश्रम गृहस्थी से ही पैदा होते हैं। गृहस्थी में सुधार होने पर सब दिशाओं में सुधार होगा। इसीलिए सद्गुरु कबीर ने कहा है, हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दो तजे ताकर मता आगाद। जो हद चलता है वो मानव है, जो बेहद चलता है वो साधु है, जो हद बेहद से ऊपर उठ जाता है उसका मत आगाद है। हद कहते हैं गृहस्थी को। गृहस्थी के मर्यादा का पालन करते हुए जो चलता है वो मानव है। पति पत्नी में शुद्ध प्रेम, पिता पुत्र में शुद्ध प्रेम, भाई भाई में सुंदर बर्ताव, पड़ोसियों के साथ सुंदर बर्ताव, गृहस्थी जीवन का उज्ज्वल चरित्र आने से आदमी मानव बनता है। हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध। जो गृहस्थी त्याग दे, विरक्त हो जाए वो साधु। गृहस्थी हड़बड़ी में नहीं त्यागना चाहिए। देखी देखा गृहस्थी नहीं त्यागना चाहिए। मन में उत्कट वैराग्य हो तो भी बहुत दिन तक साधना चाहिए। स्थिर वैराग्य होने पर गृह त्याग करना चाहिए, और गृह त्याग करे तो किसी वैराग्यवान बोधवान संत की शरण ले करके सेवा आज्ञाकारिता के साथ सीख ग्रहण करे, तब उसका वैराग सफल होता है। हद बेहद दो तजे ताकर मता अगाध। जो गृहस्थी विरक्ति दोनों से ऊपर उठ जाता है उसका मत अगाध है। गृहस्थी छोड़ी और विरक्ति मार्ग में आकर के सांप्रदायिक भावनाओं से भी मन को ऊपर कर लिया, आत्मलीन स्थिति आ गई, उसका मत अगाध है। हद बेहद से ऊपर उठने करती ही है आत्मलीन हो जाना, आत्मलीन स्वरूपलीन ब्रह्मलीन परमात्मलीन, ये सब शब्द हैं, बात एक ही है। आत्मसंतोष, जिसे आत्मसंतोष मिला वो हद बेहद से ऊपर उठ गए। जीवन में हमें क्या चाहिए, हम क्या खोजते, स्थिर सुख। स्थिर सुख दुनिया में कहीं नहीं, सारे सुख आकर के चले जाते हैं और वे सुख ही दुख बन जाते हैं। विषयों के सुख प्राय ऐसे ही होते हैं, भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की वास, ऐसे जीव विलंबे विषय में अंतः चले निराश।
भौंरे बाग के फूलों में भूल गए और फूल में गए बैठ गए, फूल संपुट हो गया। जानवर आए चर रही फूल के सहित उसी में पिस गए। ऐसे जीव विलंबे विषय में, इसी प्रकार जीव विषय वासनाओं में डूब गए और फल क्या हुआ? अंतम चले निराश, अंत में निराश होके चले। जो जवानी में काम भोग पर खूब जम जाता है वो थोड़े दिन में बिलबिला के मरता है। जो खाने पीने में अति करता है उसके शरीर की दशा अत्यंत दयनीय हो जाती है। खाना पीना जरूरी है, भोग विलास तो जरूरी नहीं है, लेकिन खाना पीना जरूरी होते हुए भी उसमें संयम चाहिए। काम भोग गृहस्थ के लिए केवल संतान के लिए चाहिए और व्यर्थ में नहीं। वेदों के मंत्रों के रचयिता सब के सब ऋषि करीब करीब गृहस्थ है, लेकिन कहीं वेद मंत्र में ये नहीं लिखा है कि गृहस्थ को विलासी होना चाहिए। केवल संतान के लिए विवाह लिखा है, जहाँ बात आई है केवल संतान के लिए। अगर संयम से गृहस्थ रहता है तो गृहस्थ साधु कहलाता है। गृहस्थ संत, गृहस्थी में रहते हुए भी संत। आत्मसंयम से ही वो दशा आएगी जो मनुष्य के अंदर में भूख है। हर नर नारी क्या चाहता है? दुख से अत्यंत छुटकारा, अनंत सुख की प्राप्ति सब नर नारी का उद्देश्य है। और यह दुनिया की किसी वस्तु से संभव नहीं। दुनिया की सारी वस्तुएं असमर्थ हैं ये देने में। दुनिया की ज्यादा वस्तुओं में तो आदमी और उलझ जाता है। धनी जितने होते हैं, अधिकतम धनी मानसिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं, अधिकतम बड़े पद वाले मानसिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं। साधु महंत हैं, मंडलेश्वर जगतगुरु हैं, अगर वे साधना परायण नहीं वो भी विफल हो जाते हैं। दुनिया का संबंध ज़्यादा हुआ, ऐश्वर्य ज़्यादा बढ़ा, धन दौलत ज़्यादा बढ़ा, मनुष्यों की भीड़ ज़्यादा बढ़ी और उसमें वे अपने आप को साधना में संभाल नहीं पाए, तो उनकी दशा खराब हो जाती है। दुनिया का ऐश्वर्य किसको सुख दे पाया? रजवाड़ों की आप कहानी पढ़िए, इतिहास पढ़िए, ज़्यादातर रजवाड़े तो अपने भाइयों का कत्ल करवाए, यहाँ तक कि अपने पिता को जेल में डाल दिए। औरंगजेब इसी आपके आगरा के किले में अपने पिता को जेल में डाल दिया था। मैंने तो ये भी सुना है कि उसने कहा कि एक अन्न तुम्हें देंगे, कई अन्न नहीं, जो मांगना हो मांग लो। तो उसने चना मांगा, क्योंकि चना ऐसा अन्न है जिसकी दाल बने, सत्तू बने, भजिया बने और बेसन, बढ़िया बेसन होता है, चबैना बने, रोटी बने और ताकतवर और स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसलिए उसके पिता ने चना मांगा। असहाय हो करके जिस किला को उसने खुद बनवाया था उसी किला के एक कमरे में वो बंद कर दिया गया।
कई रजवाड़े हुए जो अपने भाइयों को मार करके हुए। औरंगजेब ने भाइयों को ही मारा था, महाक्रूर हुआ था। केवल औरंगजेब ही की बात नहीं है कि वो मुसलमान था तो ऐसा क्या हिंदू में ऐसे नहीं होते। अभी आपके नेपाल में क्या हुआ, 5-6 वर्ष से पूरे एक राज परिवार, भाई के परिवार की सत्ता ही समाप्त कर दी, सगे संबंधियों सहित सबको कत्ल कर दिया गया। महंती के लिए, गुरुवाई के लिए चालबाजियां होती हैं, आपाधापी होती, तिकड़मे होती, और इतना ही नहीं मारा भी जाता है। गुरु को, महंत को जहर दे करके गद्दी पर बैठने वाले होते हैं। तो दुनिया का ऐश्वर्य कहीं का भी हो, गृहस्थों में हो, साधुओं में हो, ऐश्वर्य बढ़ेगा और साधना नहीं होगी, सारा पाप इकट्ठा होगा। इसलिए जो हमें ऐश्वर्य से सुख की कामना है, ये हमारा पागलपन है। जीवन में थोड़ी भौतिक वस्तुओं की जरूरत है, रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने की जगह चाहिए, गुजर बसर की वस्तुएं चाहिए, ये ठीक है। और ये इसके स्तर कैसे हों इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। भोजन का ऊंचा स्तर जिसे कहते हैं वो कोई गुणकारी नहीं होता है, भोजन का जो सादा स्तर है वही गुणकारी होता है। सादा भोजन, गरीबों का भोजन सही भोजन है। इसलिए भोजन का, कपड़े का, मकान का, सबका स्तर ऊंचा हो जाएगा तो सुख मिल जाएगा, ये भ्रम है। हाँ, मेहनत कमाई में है तो निश्चित है उसका स्तर अपने आप बढ़ता है। धन दौलत हो गया तो मकान अच्छा बना लिया, स्वाभाविक है, तो खाने पीने में भी क्वालिटी बढ़ेगी। लेकिन कम है तो उसकी क्वालिटी अगर कम है तो कोई दुख उसमें नहीं मानना चाहिए। खास बात है मन कैसा है। घी, मेवे, मलाई सब कुछ हमने खाया है और मन मैला है और चिंतित है, पीड़ित है, तो सुख कहाँ है। और रोटी और नमक हमने खाया और मन निर्मल है, संतुष्ट है, तृप्त है, तो क्या चाहिए। इसलिए भ्रम है कि दुनिया का ऐश्वर्य मिले तो सच्चा सुख होगा। लड़के बच्चे जिनके नहीं होते हैं सोचते हैं हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा। बुढ़ापा सबका कटता है, जिनके 100 हैं उनका जीवन गुजर होता है, जिनके 50 हैं उनका जीवन गुजर होता है, 25, 10, 2, 5, 1 हैं उनका होता है, और जिनके कोई नहीं है उनका भी होता है। जिनके लड़के हैं तो ऐसे माता पिता की आरती उतारी जाती है। इसमें बैठे तो लड़के वाले सब करीब करीब बहुत होंगे, लड़कों से कितना सुख मिलता, लड़के बेचारे क्या करेंगे, लड़के अपने बीवी बच्चे में उलझे रहेंगे, आपको क्या देंगे। और लड़के नहीं है तो क्या गाज फाट पड़ी। अपने मन को हम स्थूल बातों में उलझाए रखते हैं, लड़का होना ना होना, धन का ज्यादा होना कम होना, मान बड़ाई होना ना होना, ये सब कुछ बात नहीं है। बात है मन कैसा है। मन मैला है तो तकलीफ होगी, मन शुद्ध है तो आनंद होगा। असली बात है मन की शुद्ध या अशुद्ध। सभी नर नारी, गृहस्थ विरक्त इस पर ध्यान दे, अपने मन को मांजने का काम करें। भजन यही है, कोई नाम में आपको श्रद्धा है जपिए, किसी मंत्र में श्रद्धा है जपिए, कोई रोकता नहीं। लेकिन नाम और मंत्र जप
ये भजन की सच्ची कसौटी नहीं है। सच्ची कसौटी है चित्त की निर्मलता। कोई नमाज पढ़ने वाला हो लेकिन चालाक हो, ईमानदार ना हो, तो दूसरे मुसलमान भी उसको अच्छा नहीं मानेंगे। एक हिंदू है जो नमाज नहीं पढ़ता लेकिन ईमानदार है, उसको मुसलमान सब अच्छा मानेंगे। कोई हिंदू है बहुत पूजा करता है लेकिन ईमानदार नहीं है, हिंदू भी उसको अच्छा नहीं मानेंगे। कोई मुसलमान है ईमानदार है तो उसको अच्छा मानेंगे। इसलिए पूजा पद्धति, नाम जप, मंत्र, संप्रदाय के नाते कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। बड़ाई छोटाई मन पर निर्भर है। निर्मल मन से निर्मल आचरण होता है और नैतिकता जीवन में पनपती और इसी से आदमी बड़ा होता है। बड़े पुरुष जिनको कहा गया है वो 10-20 हाथ के थोड़े थे। आज भी जो बड़े पुरुष कहलाते हैं वो एक कदमे सब बहुत बड़े हो गए ऐसी बात नहीं, वे सब धनी थे ऐसी बात नहीं, वे सब बहुत पढ़े लिखे थे ऐसी भी बात नहीं। बड़े वे कहलाए जिनकी बड़ी बुद्धि थी, बड़ा आचरण था, जिनमें क्षमा, गम, संयम, शान, परहितैषिता, परोपकार, ये सब सद्गुण थे, वे बड़े कहलाए। और बड़े कहलाना न कहलाना ये खास बात नहीं, खास बात है अंदर की। बड़े भी गाली दिए गए हैं, बड़े को गाली दिया गया। गांधी जी को गोली मार दी गई, गांधी जैसे महापुरुष जिसका जोड़ा पूरी दुनिया में नहीं, राजनीति में ऐसा महात्मा, महात्मा तो एक से एक हुए हैं लेकिन राजनीति में महात्मा गांधी का जोड़ा कहीं दिखाई नहीं देता। और उस महापुरुष को गोली मार दी गई ऐसी बुद्धिमानी। श्री राम को अयोध्या में ताना मारा गया, जब राजगद्दी हो गई तो गली गली में ये चर्चा थी कि राम ही ने जब ऐसी गलती की है तो हम लोगों के घर की क्या दशा होगी। रावण के घर में सीता इतने दिन रही और राम ने फिर उसे अपनी पत्नी बना ली, तो हमारी भी पत्नियां कहीं भी रहें फिर उनको स्वीकारना पड़ेगा। विचारना यह है कि सीता जी क्या अपनी खुशी से रावण के घर गई थी, वो तो अपहृत की गई थी, कैद खाने में थी, वहाँ रह करके भी वह राम को ही जपती थी। सीता पतिव्रता थी, सीता निर्दोष थी, लेकिन अयोध्यावासी सीता को नहीं समझ सके और राम को भी नहीं समझ सके। जब राम आपके राजा हैं तो आपको विश्वास करना चाहिए लेकिन राम को भी नहीं समझ सके। तो हमें और आपको अगर आगरा में लोग न समझ सकें तो क्यों चिंता करनी चाहिए। राम को नहीं समझ सके, सीता को नहीं समझ सके अयोध्या वाले, आगरा में आपको न समझ सके, कोई क्यों चिंता करते। और इसी से उबिया करके राम ने सीता को निकाल दिया। निकालना गलत था कि सही था अलग विषय, लेकिन ऐसी स्थिति बनी अयोध्या में। ये संसार की दशा है, इसलिए प्रशंसा की भूख नहीं होनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए हम करते क्या, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें लोग कहते क्या। भूल यही है कि हम सोचते हैं कि हमें लोग कहते क्या। चोर को चोर कहो लाठी ले लेगा,
चोर है इससे उसको तकलीफ नहीं है, लेकिन चोर कह दे तो तकलीफ है। तो हमें अच्छा कहलाने की चेष्टा न करनी चाहिए, अच्छा रहने की चेष्टा करनी चाहिए। बड़ाई से हमारा हित होने वाला नहीं है, पवित्र आचरण से हित होने वाला है। इसलिए अपने जीवन को ऊपर उठाएं। ऊपर उठाने का अर्थ क्या है? क्रोध घटाना, क्षमा करना, तृष्णा हटाना, संतोष ग्रहण करना, लंपटता छोड़ना, संयम ग्रहण करना, विषमता द्वंद कलह दूर करके समता में जीना, ये जीवन को ऊपर उठाना है। परिवार में, समाज में जहाँ रहो, दूसरे का दोष न देखो। किसी में दोष की बात है तो प्रेम से समझा दो, प्रेम से रास्ते पर लाओ, कलह न करो। बुराई देखने से बुराई बढ़ती है, अच्छाई देखने से अच्छाई बढ़ती है। जहाँ बुराई हो उसको दूर करने की राय देनी चाहिए, अगर अपनी शक्ति चले तो। कला नहीं करना चाहिए। जीवन बहुत छोटा है और आज दिन जा रहा है, अचानक एक दिन ये दीपक बुझना। ऐसी जिंदगी जीना चाहिए जिससे जीवन में शांति हो। शांत के समान दूसरा सुख नहीं। जितनी माया की गर्माहट है दो दिन की चांदनी है, ये सब अनुभव कर सकते हैं। विचार करने से पता लगता है। बड़े बड़े राजे महाराजे कहाँ गए? अंग्रेज गवर्नमेंट के ज़माने में सैकड़ों रजवाड़े थे भारतवर्ष में। सैकड़ों रजवाड़े तो स्वतंत्र थे और हजारों रजवाड़े थे जो स्वतंत्र नहीं थे, लेकिन रियासतदार थे बहुत। और उन रजवाड़ों का जो समा था अद्भुत, लेकिन आज जा करके देखो तो खड़हर है। आगरा के लिए तो क्या उदाहरण है, आगरा लोग खड़हर देखने आते हैं। किला, ताजमहल अब केवल पर्यटक स्थल है, कहाँ बादशाह बैठा है? कौन सी वस्तु स्थिर है? जगने की जरूरत है। ये हीरा जैसा जीवन कमाने खाने और संतान पैदा करने के लिए नहीं मिला। कमाना खाना एक मजबूरी है और संतान पैदा होना भी एक मजबूरी है। कमाए बिना खाएंगे क्या? इसलिए कमाना खाना मजबूरी है। और संतान हो जाएंगे, वैवाहिक जीवन है, संतान हो जाएंगे। जीवन का फल क्या है? शांत से जीना, सुख से जीना, संतुष्ट से जीना, निर्भयता से जीना, शीतल मन लेकर के जीना, ये जीवन का फल है। सब मिला और शांति न मिली तो क्या मिला? शांत जीवन का परम सुख है और वो इंद्री मन और वाणी की प्रक्रियाओं का फल है, ये समझ लीजिए। शांति कोई दे नहीं सकता है। गुरु उपदेश करेंगे, संत उपदेश करेंगे, उनकी जिम्मेदारी है वे स्वयं शांत रहें और दूसरे को अच्छा उपदेश करें। आप स्वयं जब वैसा चलेंगे तब होंगे। किसी साधु की झोरी में शांति नहीं रखी है कि निकाल के एक मुठिया आपको दे दें। वो बताएंगे ऐसा चलो, अब ऐसा आप चलो तब शांति मिलेगी। कोई तैरता है, आप भी हाथ पैर पटको तो आप भी तैरोगे। आपका हाथ पैर पकड़ करके कोई आपको तैरा नहीं सकता है। ये जो ज्ञान का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है, ये स्वयं चलने से होगा। हमारे लिए कोई मकान बना सकता है, हमारे लिए कोई भोजन बना सकता है, हमारे लिए कोई बिस्तर बिछा सकता है,
हमारे लिए और कोई बाहरी काम कर सकता है, लेकिन हमारी भूख दूसरे के खाने से नहीं जाएगी और हमारे मन का दुख दूसरे की साधना से नहीं जाएगी। पेट और मन, ये दोनों में संतोष अपने परिश्रम का फल है। कोई व्यंजन हमारे सामने रख दिया है, खाना पड़ेगा हमें। मुख में कोई डाल सकता है, लेकिन घुट तो हमें करना पड़ेगा। इसी प्रकार शांति का काम हमें ही करना पड़ेगा। एक एक कर्म से अशांति बढ़ती, ऐसे एक एक कर्म से शांति बढ़ती। झूठ बोलने वाला, चालाकी करने वाला, छल छद्म करने वाला, आपाधापी करने वाला, चरित्रहीन व्यक्ति कभी शांत नहीं पा सकता है। जो सच्चा है, ईमानदार है, जिसके मन इंद्रिय संयमित हैं, जो सब पर करुणा, प्रेम, श्रद्धा, सद्भाव रखता है, उसके जीवन में स्वाभाविक शांति आती है। एक एक करने का परिणाम अशांति और शांति। अचानक अशांति और शांति नहीं आती, सब अपने ऊपर निर्भर है। भगवान कल्याण कर देगा, प्राय लोग कहते हैं। भगवान की माया हमें नचा रही है। भगवान कोई दुर्जन नहीं है कि जो आपको नचाए। नचाने वाला, परेशान करने वाला दुर्जन होता है। भगवान परमात्मा की व्याख्या तो बड़ी अच्छी है। भगवान परमात्मा उसे कहते हैं जो सच्चिदानंद है, शुभ गुणों का भंडार है, तो माया क्यों रखेगा आपको नचाने के लिए। आपके गांव में कोई ऐसा हो जो गांव भर को परेशान करता हो तो अच्छा नहीं माना जाएगा। एक गांव में एक थे, वे सबको परेशान करते थे। कहीं जमीन बेच खरीद हो, वहाँ वो पहुँच जाए, तिकड़म डालें, 1,000-2,000 दे दो तो छुट्टी दे, नहीं तो फिर वो गड़बड़ा दे। कोई मकान की नींव डाले, वहाँ खड़े हो जाए, हमें इतना लाओ नहीं तो हम बिगाड़ेंगे। हर जगह वो बिगाड़ते थे और बहुत ज़बरदस्त आदमी थे, सब परेशान रहे। उनको पूज दें तब छुट्टी पाएं, क्या ईश्वर ऐसे हैं? जब पूजा कर दोगे तो कुशल, नहीं तो वो परेशान करेगा आपको। इसका मतलब है भगवान खुराफाती। भगवान और परमात्मा कह करके भगवान परमात्मा का अर्थ लोग ठीक से नहीं लगाते हैं। भगवान परमात्मा जो होगा वो अच्छा होगा। जब अच्छा इंसान किसी को परेशान नहीं करता है तो भगवान परमात्मा क्यों परेशान करेगा किसी को। कहते महाराज क्या करें, परमात्मा ने ऐसी माया डाली है कि परेशान हो, तो मतलब परमात्मा बड़ा खुराफाती है। ये अपने मुख की बात अपने कान से लोग नहीं सुन पाते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, परमात्मा को बदनाम कर रहे हैं। आप तंबाकू खाना शुरू किए तो परमात्मा ने खिलाया। शराब पीते हैं तो क्या परमात्मा पिलाता है। आपकी गलती है, आपकी माया आपको नचाती है, परमात्मा की माया आपको नहीं नचाती है। अगर कहीं पर होगा, उसके पास माया होगा तो वो परेशान होगा अपनी माया से, उसकी चिंता छोड़ दो। आप अपनी माया को समझो। मन का मोह माया है, मन का विकार माया है, इसको छोड़ो। जो मन के माया को छोड़ देता है उसको किसी की माया परेशान नहीं करती। तो ये जो गलत धारणा है, पंडित और महात्मा लोग भी कहते हैं भगवान की माया सबको नचाती है। शास्त्रों में भी लिखा है कि भगवान की माया सबको नचा रही है। इसलिए पंडित, महात्मा और शास्त्रों की बात भी बड़ी सावधानी से समझ करके मानने लायक है। महात्मा कहें तो मान लेना चाहिए,
गुरु संत कहें तो मान लेना चाहिए, पंडित मौलवी कहें और वेद शास्त्र ज्ञान ग्रंथ में लिखा हो तो मान लेना चाहिए, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। सभी महापुरुषों का आदर करो, सभी ज्ञान ग्रंथों का आदर करो, लेकिन उनसे प्राप्त विचारों पर विचार करो। जो कल्याणकारी है सच है उसको मानो, जो कल्याणकारी नहीं है सच नहीं उसको न मानो। इसके लिए विचारवान होना चाहिए। साधु वैसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। साहब कहते साधु को सूप स्वभाव होना चाहिए। सूप में रख करके अन्न फटका जाता है, भूसी उड़ जाती है और अन्न रह जाता है। ऐसे विचार से फटक पछोर कर सार को लो असार को छोड़ो, ये कल्याण का रास्ता है। शास्त्र दुनिया में बहुत हैं, महापुरुष बहुत हैं, किसका हम आदर करें किसका अनादर करें। वेद आदरणीय है, कुरान भी आदरणीय है, बाइबिल भी आदरणीय है, जिंदा वेस्ता भी आदरणीय है, गुरु ग्रंथ भी आदरणीय है, अन्य वाणियाँ भी आदरणीय हैं, और मौलवी पंडित पादरी सब आदरणीय हैं, संत गुरु आदरणीय हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आदरणीय विवेक है। विवेक के अनुसार जितनी बातें हों वो कहीं भी मानी जा सकती है, जो विवेक के अनुसार ना हो कहीं की बात हो नहीं मानी जा सकती। दीवार पर लिखा हो दो दो चार मानने योग्य है, और कोई संत महात्मा कहें दो दो पांच कैसे माना जाए। इसलिए आंख मूंद करके मानने की प्रवृत्ति छोड़ने की जरूरत है। विवेकवान बने, जागरूक बने, समझ बूझ करके माने। ज्ञान के क्षेत्र में गड़बड़ी होने से पूरे जीवन में गड़बड़ी होती है। हमारा ज्ञान सही होना चाहिए, ये पक्का समझ लेना चाहिए कि जो मैं सोचता हूँ उसका मैं जिम्मेदार हूँ, और जो मैं बोलता हूँ उसका भी जिम्मेदार हूँ, और जो करता हूँ उसका भी जिम्मेदार हूँ। मुझसे कोई सोचवाता नहीं है, बुलवाता नहीं है, करवाता नहीं है, कोई भगवान या शैतान मुझे प्रेरित नहीं करता है। लोग कहते ईश्वर की इच्छा के बिना घास भी नहीं हिलती। तो दुनिया में जितने अच्छे कर्म होते हैं उसका तो समाधान है कि भाई भगवान अच्छा करवाता है, लेकिन जितनी बुराइयाँ होती हैं फिर वो किसके जिम्मे जाएगा? बुराइयाँ कहाँ जाएंगी? चोरी, व्यभिचार, हत्या, गबन, लूट खसोट, आतंकवाद, ये सारा दुराचार और दुर्गुण ईश्वर की इच्छा के बिना अगर घास नहीं हिलती है तो ईश्वर की इच्छा बिना ये सारे कुकर्म कैसे होते हैं? तब फिर क्या समाधान होगा? इसलिए जोश में लोग कहते हैं कि सब ईश्वर करवाता, सब ऊपर वाला करवाता है। ऊपर वाला नहीं करवाता है, सबके भीतर वाला करवाता है। सबके भीतर में जो बैठा है वही करवाता है। भीतर में कौन है? आप खुद हैं। सब अपने अपने व्यक्तित्व के जिम्मेदार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे मन में ऐसी बात नहीं थी लेकिन वाणी से निकल गई। मन में नहीं थी तो निकल कैसे गई? पेटी में सामान न हो तो उसमें से कैसे निकलेगा वो सामान? पेटी में तो कोई दूसरा भी डाल सकता है, लेकिन आपके मन में जो आप डालेंगे वही निकलेगा, दूसरा नहीं निकलेगा। इसलिए सोचना, बोलना और करना, ये तीन है हमारे जीवन में, और ये तीनों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हम जैसे चाहते हैं सोचते हैं,
बोलते हैं और करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हम नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी ऐसा दिमाग में आ जाता है, हम नहीं चाहते लेकिन मुंह से निकल जाता है, तो हमारी ही अपनी गंदी आदत है, हमारा अपना जोर है। जैसे कोई झूला झूल रहा है, बेग भर दिया, तो झूला बेग जब न भरो तब भी चलता है जब तक उसका बेग रहता है। साइकिल जोर से चला दिए।